बलरामपुर जिले का राजपुर नगर पंचायत अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। नगर पंचायत को बने करीब 20 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक उसका समुचित विकास नहीं हो पाया है। कई लोग ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके लिए नगर पंचायत ने चौपाटी की व्यवस्था नहीं की। दुकानदारों ने बताया कि अगर चौपाटी बनाई जाती तो उनकी आमदनी भी बढ़ जाती। वहीं बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन नगर पंचायत में विकास कार्य नहीं हो पाए। भाजपा सरकार ने 15 सालों में क्षेत्र का काफी विकास किया है। दूसरी ओर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुनील सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार के समय ही विकास कार्य हुए हैं, तत्कालीन भाजपा सरकार के समय कोई विकास कार्य नहीं हुए। नगर पंचायत को यहाँ पे अगर चौपाटी बनाने का व्यवस्था कर देते हैं तो हम जैसे बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, और भी हम जैसे कई बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगी। तत्काल अगर यहाँ पे कुछ बनाने के कोई भी उपाय है, अगर बन सकता है तो बना दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। यही ठीक है हम लोग के लिए, अगर इधर उधर जाएंगे तो कोई व्यवस्था नहीं है। मान लो है भी व्यवस्था, बनेगी भी तो पब्लिक, आम पब्लिक नहीं ना पहुँच पाएगी वहाँ पे। यहाँ बीच में पड़ जाता तो लोकल पब्लिक जो भी है, आस पड़ोस के बाज़ार भी, यहाँ सब लोग आ जाते हैं। विगत 4 वर्षों से कांग्रेस की सरकार जो राजपुर में है, पूरे छत्तीसगढ़ में, राजपुर नगर पंचायत का विकास पूर्णतः जो है अवरुद्ध है। यही कारण है कि आज तक जो है पिछले 4 वर्षों में राजपुर नगरवासियों को चौपाटी के साथ अन्य जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई हैं। जो भी राजपुर का थोड़ा बहुत विकास आपको नज़र आएगा ना, वो डॉक्टर रमन सिंह की जो 15 साल सरकार चली है उनके कार्यकाल का ही विकास जो भी राजपुर में थोड़ा बहुत हुआ है उसी समय हुआ है। अभी जो कांग्रेस की सरकार में पूरा विकास जस का तस अवरुद्ध पड़ा हुआ है। देखिए, जिस विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो विकास राजपुर में कहीं कोसों दूर तक दिखाई नहीं देता। भाजपा सिर्फ आरोप लगाने की आदी रही है। आप देखेंगे कि राजपुर में जब कांग्रेस नगरीय निकाय में थी तब जो काम हुए हैं, जिन मुद्दों को लेकर बात की गई है, जिन मुद्दों को लेकर के नगर निकाय में चर्चा हुई है, वो धरातल पे दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जब आज नगरीय निकाय में सत्तासीन है तो उसने विकास को दूर कहीं छोड़ दिया है और उसकी चर्चा कितनी ही समझ रही है। आज जो काम हो रहे हैं वो हमारे सरकार की पॉलिसी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार है उसके द्वारा जो प्लान बनाए गए हैं कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में।